सांसद से परमवीर सिंह टाट की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष पद हेतु प्रभारी कार्यकर्ताओं से ली रायशुमारी। अलग अलग जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रभारी का स्वागत। आंसित बदनोर ब्लॉक के कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली गई। वहीं इस रायशुमारी में रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। आए हुए अतिथियों का अलग अलग जगहों पर स्वागत अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम प्रभारी आदित्य सिंह चौहान माधव हेरिटेज पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा एवं विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा के सानिध्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आंशिक बदनोर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, जिसमें लोगों ने बारी बारी से जाकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मनीष मेवाड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यकर्ता पार्टी की नींव होते हैं। वहीं आदित्य सिंह चौहान ने बताया कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत करना होगा। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन रंजीत सिंह राणा ने किया। वहीं दूसरी ओर गांधी चौक स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष छोगा लाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य शंभू लाल गुर्जर, पार्षद गणेश लाल मेहता, दाऊद शेख सहित कार्यकर्ताओं ने आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रभारी को विभिन्न सदस्यों का नाम का सुझाव दिया, जहां एक ओर माधव हेरिटेज में आयोजित बैठक में बरानापुर सरपंच विष्णु पारिक, रंजीत सिंह राणा, आजाद मोहब्बत, बलवंत सिंह, प्रदीप व्यास, नारायण हदवा सहित संगठन के पदाधिकारियों के नामों का चर्चा विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष छोगालाल गुर्जर ने चुनाव प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह चौहान को कई नाम के सुझाव प्रस्तुत किए, जिसे बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष नामों में देवकरण जाट, शंभूलाल गुर्जर, प्रदीप व्यास सहित पदाधिकारियों के नाम प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए प्रभारी को अवगत कराया कि व्यक्ति विशेष को लंबावित करने के बजाय जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष के पद का जिम्मा सौंपा जाए, जिससे पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत किया जा सके।